नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का पाठ है सीरीज के फूल, उसका अनुवाद। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए विद्यार्थियों, पहले हम पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, द्विवेदी जी का जो साहित्य है ना, थोड़ा सा जटिल भाषा में है। 12वीं कक्षा में सबसे जटिल शब्दावली का जो लेसन है वो यही है। यदि इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो कोई जटिलता आपके सामने नहीं आएगी, आसान भी बहुत है। तो सबसे पहले आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में अगस्त मास में उन्नीस सौ सात में आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क। कुटज, विचार प्रवाह, आलोक परव, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध संग्रह भाई, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखन, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास, सूर साहित्य, कबीर मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, साहित्य हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास, संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बाणियां, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती, शांति निकेतन पत्रिका का संपादन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं भाई। इनको जो पुरस्कार मिला है वो है साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर, और प्रथम भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डिलीट की उपाधि भी प्राप्त की है। इनकी जो मृत्यु है वो 1979 में हुई है दिल्ली में। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुख अपेक्षिता से बचाने सके, जो उसकी आत्मा को तेजो उद्दीप्त न बना सके, जो उनके हृदय को पर दुख कात्र और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पैठकर होता है घुसकर, उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर के प्रकट हुआ है। वे ज्ञान और बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल करके एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविन्द्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। उनके बाद उनसे जो प्राणधारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है,
उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों की श्रेष्ठ संसाधनों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उनकी मूल चेतना विराट मानवता है, मानवतावाद है। उनके संस्पर्श से कला और साहित्य कोई नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, इसको इतना ही पढ़ लेंगे, उसके बाद नहीं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है भाई। तो यहाँ एक नंबर का जो प्रश्न है वो बनता है कि सीरीज के फूल किस संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया भाई कल्पलता से। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवद्युत की तरह अविचल होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से ही मनुष्य की अजयता जिजिसा होती है, जीने की जो इच्छा होती है, तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कार्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देहबल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसाता उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज के पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में घुसता है, फिर तात्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन होता है। उसके अनुसार योगी और अनासक्त, शून्यता और प्रेमी को सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि की समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। सीरीज के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु, लड़खड़ाहट और नए नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व की ओर संकेत करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। इक्षुदंड होता है ईख का गन्ना। सांस्कृतिक संदर्भों एवं शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर, खोल उसका जो पोला बाहर का कवर, सहज भावधारा के मधुरस से युक्त है। यह हर तरह से अस्वाद्य है, यानी जिसका कोई रस नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है और अप्रयोजनीय है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, अप्रयोजन होता है, महत्व से रहित। तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा इसका मुख्य सारांश। अब हम पढ़ते हैं सीरीज के फूल। ये उसी सीरीज का की चर्चा है जो आम तौर पर हमारे गाँव में, खेतों में, जिसको हम साधारण देसी बोली में सरस बोलते हैं। तो उस सीरीज के माध्यम से लेखक ने आज के समाज में जो राजनीतिज्ञ हैं, जर्जर अवस्था में हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन
अपने पद से नहीं हटना चाहते हैं, यानी नए चेहरों को वह जगह देना नहीं चाहते। तो यहाँ शीर्ष के फूल के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया है कि शीर्ष के फूल पर भी उसी तरह से नई फलियाँ आ जाती हैं, जो तो पुरानी फलियाँ हैं वो उन्हें निकल करके जाना पड़ता है, यानी जब नई फलियाँ धकेलती हैं तो जाना पड़ता है। इसी तरह से राजनीति में जब नए चेहरे ज़बरदस्ती आते हैं तो पुराने राजनीतिज्ञों को राजनीति छोड़नी पड़ती है, वरना मरते दम तक वो अपनी इस भावधारा से परे नहीं होते। तो आइए पढ़ते हैं शीर्ष के फूल। मेरे साथ साथ बने रहिए, अपनी पुस्तक में देखते रहिए। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीर्ष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में, जबकि धरात्री होता है बेटा जमीन, निर्धूम जो तेज गर्मी के कारण अग्निकुंड बनी हुई है, अग्नि के कुंड की तरह बनी हुई है, शीर्ष नीचे के से ऊपर तक फूलों से लद गया है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, यानी इतनी गर्मी में जीवन मुश्किल हो जाता है, लेकिन शीर्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर फूल खिलते हैं इतनी गर्मी में। कर्णिकार होते कनेर, आर्गवद यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, ये दोनों तरह के वृक्ष होते हैं भाई, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीर्ष के साथ आर्गवद की तुलना या अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। जो अमलतास का एक वृक्ष होता है या पौधा होता है वो कम समय के लिए फलता फूलता है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो केवल 3 दिन के लिए फलते फूलते हैं, ओनली 3 डेज। तीसरे दिन उनके फूल हैं वो झड़ जाते हैं भाई। आइए बढ़ते हैं आगे। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीर्ष के साथ आर्गवद की या अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलास की भांति। पलास जो होता है छोटा झाड़ीदार पौधा होता है और उस पर लाल फूल आते हैं ढाक और पलास पर भाई। कबीर को इस 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंड खंड खंखड़ के खंखड़। यानी कबीरदास ने अपनी एक रचना में कहा है कि केवल कुछ क्षण की खुशी और फिर गम के दिन। 10 फूला फूले के खंखड़ भया पलास, यानी केवल 10 दिन के लिए फला फूला और फिर खंखड़ यानी के फूलों से रहित हो गया पलास। ऐसे दुमदारों के से तो लंडूरे भले। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भावार्थ के लिए पंक्तियां आती हैं कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। लंडूरे का यहाँ अर्थ है ऐसे पौधे जिन पर फल ही नहीं आते। फूल है शीर्ष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालजयी अवद्युत की भांति। कालजयी होता जीवन को प्रदान किए, जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देख करके मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। यानी कि कवियों ने शीर्ष का जिक्र, यहाँ लेखक ये बताना चाह रहा है कि कवियों ने
कहीं भी अपनी रचनाओं में सिरिस की चर्चा नहीं की है। सिरिस नितांत ठूठ नहीं है, यानी ऐसा नहीं है जिस पर फूल नहीं आते हैं, बल्कि बाकी वृक्षों से अधिक समय तक के लिए वह फूलों से लदपद रहता है। सिरिस के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं, हर्षित जरूर करते हैं। सिरिस के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें से एक सिरिस भी है। ये लेखक ने उदाहरण दे के बताया है कि पुराने समय में जब राजा अपनी चार दीवारी के चारों तरफ वृक्ष लगाया करते थे, उनमें से सिरिस को भी लगाया करते थे, और इसका प्रमाण उन्होंने वृहत संहिता में 55-13 ये पृष्ठ संख्या इन्होंने दी है, इस पर है। अशोक अरिष्ट पुनाग और सिरिस के छायादार और घनमश्रृण हरितिमा से परिवेष्टित होता ढका हुआ वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है। तो देखिए, यहाँ एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कामसूत्र को की रचना किसने की, तो वात्स्यायन ने की, कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेंखा यानी दोला झूला झूलना लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बक्कुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, बक्कुल जो बरगद का वृक्ष होता है। पर सिरिस भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वाली का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा रहे हैं, बनवा लें। तो यहाँ कवि ने, लेखक ने उन कवियों के बारे में चर्चा की है जो अपनी रचनाओं में दोलन करने वाली उन नायिकाओं की चर्चा करते हैं जो वृक्षों की टहनियों पर झूलती हैं। तो वहाँ कवि है नायिकाओं के वजन की तरफ बड़ा ध्यान रखता है ताकि टहनियाँ ना टूटे। तो सिरिस का जो वृक्ष है वो भी कम नहीं होता है, उस पर भी कवि लेखक के अनुसार झूला झूला जा सकता है। अपेक्षाकृत बरगद की अपेक्षाकृत इनकी टहनियाँ जो हैं कमज़ोर होती हैं, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं होती हैं। सिरिस का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। तो भाई, सिरिस का फूल किस साहित्य में कोमल माना गया है? संस्कृत साहित्य में। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी, उनका इस पुष्प पर बहुत कुछ पक्षपात था। मेरा भी है, कह गए हैं सिरिस पुष्प केवल भावरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पद सहित भ्रमर से पलवेव सिरिस पुष्प ने पुनः पत तरिणात है, यानी कि केवल भावरों के पैरों की छाप है उसको ही झेल सकता है, पक्षियों की नहीं, ऐसा कालिदास ने कहा है। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ सिरिस के। ये देखिए, सिरिस का जो वृक्ष है इस तरह का, जो आमतौर पर देखने को मिलता है, फूलों की कोमलता देख करके परवर्ती कवियों ने समझा कि उनका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। उनके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते।
जब तक नए फल पत्ते मिलकर के धकिया करके उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय सारी वनस्थली पुष्प पत्तर से मर्मरित होती रहती है। मर्मरित होता है जब पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं और जब हवा चलती है तो हवा में जो पत्तियां सरसराती है ना उनको मर्मरित कहते हैं। सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार करके निकाल नहीं देते तब तक वे जमे रहते हैं। यानी लेखक आज के राजनीतिज्ञों की तरफ अपनी दृष्टि करते हुए कहता है कि उन्हें सत्ता की इतनी लोलुपता होती है, इतनी लालायित होते हैं कि वे सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब नई पीढ़ी आकर के जबरदस्ती उनका आसन छीनती है तो भी वे खुश होकर के बाहर नहीं निकलते हैं। उसी तरह से सीरीज की जो फलियां हैं वो जब उस पर नई फलियां आ जाती हैं तब जाकर के पुरानी फलियां उनके धकियाने से बाहर निकलती हैं। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय के रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अप्रतिमाणिक अति प्रमाणिक सत्य हैं। भाई यहाँ लेखक उन नेताओं की तरफ संकेत करता है कि ऐसे लोगों को जब पता है कि हमें एक दिन हमें बूढ़ा भी होना है और मृत्यु को भी हमें अपने सामने देखना है तो वे समय रहते अपनी शान शौकत के साथ उस पद को क्यों नहीं छोड़ देते, वे उसके प्रति इतने ललायित क्यों होते हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी, धरा को परमान यही तुलसी को फरा सो झरा। यानी तुलसीदास ने कहा था इस पृथ्वी पर यही प्रमाणिक सत्य है कि जो फलेगा वो झड़ेगा, जो बरा सो बुताना, जो वर्ण होगा बरेगा वो नष्ट भी होगा, जो बनेगा वो नष्ट भी होगा। मैं सीरीज के फूल को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनके प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी हैं वे टिके रहते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख से बच जाएंगे। तो यहाँ लेखक यही प्रमाणिक सत्य है वो आज के नेताओं की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि वे सत्तासीन होते ही ये क्यों नहीं समझ लेते कि हम कुछ दिन के लिए हैं, हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन वो इस चीज़ को सोचते नहीं हैं। काल देवता के कोड़े पड़ते रहते हैं, मृत्यु का देवता यम उन्हें लेने के लिए आ जाता है तब तक उनकी जो लिप्सा है वो समाप्त नहीं होती है। वे सोचते हैं यदि हम सत्तासीन रहे तो काल के जो देवता यमराज से हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे भोले हैं, वे हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आग की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। यानी एक स्थान पर रहे तो नष्ट होना निश्चित है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज का अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो हार नहीं मानता है, न उधो का लेना न उधो का देना, यानी न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से
अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम बने रहते हैं, दिन और रात में आठ याम होते हैं, चार दिन में चार रात में। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता होगा। तंतु जाल यानी उसकी इतनी टहनियां होती हैं और वो भी कोमल कोमल फूलों के साथ। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनावली, अनावली होता है बिना पंक्ति के, बिना कतार के, अवली होती है पंक्ति, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया है, वह भी कवि क्या कवि है। कहते हैं कर्णाट राजा की प्रिया वज्जिका, तो कर्णाट राजा की जो प्रिया कौन थी भाई, वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्राह्मण थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को, इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बाया चरण रखती हूँ, यानी तेसाम मूर्दीन ददामि वाम चरणम कर्णाट राज प्रियः। यानी क्या बोलती है भाई, इस दुनिया में कवि तीन ही हुए हैं भाई, एक ने क्या दिया, वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया और तीसरे ने महाभारत को दिया, और कहते इनके अलावा यदि कोई अपने आप में कवि होने का दावा करता है ना, तो मैं उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लज्जाया भी नहीं है, यानी हार नहीं मानते हैं लेकिन शर्मसार जरूर होते हैं, लज्जाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए, पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, सीरीज की मस्ती की तरह देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। देखो अनासक्त योगी होता है जो किसी में आसक्त ना हो, ऐसा वैरागी, और स्थिर प्रज्ञता होती है जो जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। विदग्ध प्रेमी होता है भाई जो प्रेम में जलता है, विरह में रोता है, का हृदय पा चुके थे। कवि होने के से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। यानी कोई लेखक कहता है कि तुक मिलान मैं भी करता हूँ, छंद मैं भी जोड़ता हूँ और कालिदास भी जोड़ते थे, लेकिन मैं अपनी तुलना यदि कालिदास से करूँ तो ऐसा करना उचित नहीं है, सही नहीं है। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही देवदार को फड़फड़ाते हुए कहा था, वयम अपि कव्य कव्य कव्यमस्ते कालिदासम असाध्य, कि मैं भी कवि हूँ और कालिदास भी मेरे समान कवि ही है, मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर के कालिदास के एक एक श्लोक को देख करके हैरान रह जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए, शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई
सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकलता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, यानी अभिजान शाकुंतलम जो कवि कालिदास ने जो नाटक की रचना की थी उसकी एक जो पात्रा थी शकुंतला, और शकुंतला सत्य में नहीं थी, वास्तव में नहीं थी। ये शकुंतला वो शकुंतला थी जिसका जन्म कालिदास की लेखनी से उसके हृदय से हुआ था। तो जब कवि इस तरह का जन्म किसी पात्र का करता है तो वह उसे कितना भी सुंदर और कितना भी कुरूप और कितना भी बलशाली बता सकता है। तो अब इस सीरीज के फूल का ही उदाहरण लीजिए, शकुंतला का। शकुंतला बहुत ही सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितनी सुंदर हृदय से उस वह सौंदर्य डूबकी लगाकर निकला। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कापर्ण्य नहीं था, यानी उसका निर्माण नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उस उनका मन खींच उठता था, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। यानी राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन बार बार वह उस चित्र को देख करके यही सोचता कि कुछ ना कुछ इसमें खामी रह गई है। बड़ी देर बाद उसे समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे। केसर उसके बाल हैं और गंडस्थल होता है भाई हमारा कान के नीचे का ये जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पर बाली लटकती है उसको हम गंडस्थल कहते हैं। और रह गया है शरतचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल होता है कमल की डंडियों का द्वारा बनाया गया हार, मृणाल। मृणाल होती है कमल की डंडियाँ। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद करके उसके भीतर तक पहुंच सकते हैं। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपीवल की भांति खींच लेते हैं जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रस के थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राजो उद्यानम का सिंह द्वारम कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप ही समाप्त नहीं, आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पके अवद्युत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जमा जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती हैं। इस चिलकती धूप में इतना रस सरस कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार का टगनीदा लूटपाट खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या यह स्थिर रहा जा सकता है, सीरीज रह सकता है? अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, यहाँ बूढ़ा रह सका था, ये महात्मा गांधी की तरफ संकेत किया गया है भाई, कि जब भारत विभाजन हुआ, ऐसे विभाजन के समय बहुत मारकाट हुई, हत्याएं हुई, लूटपाट रही, लेकिन वह फिर भी अविचल नहीं हुआ, डिगा नहीं, अपनी जगह पर टिका रहा। क्योंकि सीरीज भी अवद्युत है,
मेरा क्योंकि मेरा मन पूछता है ऐसा क्यों संभव हुआ, क्योंकि श्रीस अवधूत है, श्रीस वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और कठोर न हो उसका। मैं जब जब श्रीस की ओर देखता हूँ तब तक फूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो वह अवधूत आज कहाँ है, ये महात्मा गांधी की तरफ लेखक संकेत करता है। तो विद्यार्थियों, ये देखा आज हमने लेसन आपका सीरीज के फूल। आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, अगले वीडियो में करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न। तो जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।